हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ हम क्या क्या खेले थे मॉल जाने के बाद। तो सबसे पहले, जब भी आप गेम जोन जाए तो वहाँ पे फ्रंट पे काउंटर होता है, वहाँ पे जाए, वो एक एप्लीकेशन देंगे, उसको भरना होता है और वो एक कार्ड भी देंगे जिस कार्ड पे आपको रिचार्ज करवानी पड़ेगी। और सबसे पहले हम बॉलिंग सेक्शन गए और वहाँ पे सरप्राइजिंगली मैंने बहुत अच्छा खेला। और इस तरह के फायरिंग गेम्स दिए जाते हैं जहाँ पे आपको दुश्मनों को फायर करना होता है। और इस तरह के रेसिंग वाले गेम्स भी बहुत प्रकार के थे, जिस जो पानी में भी था। और ये मेरे सिस्टर जो खेल रही है, ये बाइक रेसिंग है और ये पानी में था। आप देख सकते हैं वो कितना एंजॉय कर रही है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी उस दिन और बहुत ही एंजॉय किया हम लोगों ने। और इस तरह से आप मॉल्स में सिर्फ शॉपिंग करने ही नहीं बल्कि आप गेम्स भी खेलने जा सकते हैं। अगर आपके घर पे बच्चे हैं या आप खुद भी, अगर आपको थोड़ी सी एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है तो आप इस तरह से जाके खेल सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे सिस्टर कितनी खुश है पंचिंग करने के बाद, अपनी खुशी वो दर्शा रही है। और बॉलिंग और रेसिंग के अलावा आप इस तरह के पंचिंग गेम्स का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। और ये दूसरी फायरिंग वाली गेम थी, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे हाथों में ज़बरदस्ती बंदूक थमाया गया है कि तुम खेलो और मैं बिल्कुल ही बेजान होके खेल रही हूँ। मेरी सिस्टर एकदम एक्साइटेड है, पर मुझे अच्छा लगा ये खेल के, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। और ये घोड़ा, हॉर्स राइडिंग। और ये हॉर्स राइडिंग वाली गेम मेरे सिस्टर को इतना अच्छा नहीं लगा। फिर वहाँ से हम लोग थक गए और वहाँ से खाने के लिए निकले। देखिए मेरे सिस्टर परेशान करने की कोशिश कर रही है मुझे। ये बहुत ही सुंदर सा डेकोरेशन किया हुआ था और ये एक जापानीज़ रेस्टोरेंट था जहाँ पे हम लोग गए खाने के लिए। और ये हमारा नारुतो नूडल्स आ गया। नारुतो नूडल्स नाम देखते ही हमें एकदम टेंडेंसी हो गई कि कैसा होगा खाने के लिए। और मेरे सिस्टर तैयारी कर रही है खाने के लिए, अब देखते हैं उसको कैसा लगता है खाने के बाद। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन अच्छे से देखिएगा, दिखा रही है उनको इतना टेस्ट अच्छा नहीं लगा पर वो बोलना नहीं चाह रही है एक्चुअली अच्छा दोस्तों, वहाँ पे ये एक और गेम था पियानो टाइल्स, जिसको खेल के मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं सच में बजा रही हूँ, इन रियल मुझे बजाना नहीं आता। फिर वहाँ से खा पी के हम लोग निकल गए आइस स्केटिंग के लिए। आइस स्केटिंग वाले दिन और बाकी गेम्स वाले दिन अलग अलग है, जिसका वीडियो मैंने मर्ज कर दी है। बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। Thank you.